मंगिला शिखर धवन को बेहतरीन खिलाड़ी मानता है तो इस वीडियो को दिल से लाइक एक बार जरूर कीजिए। दोस्तों शुरू हो चुका है भारत बनाम जिम्बाब्वे का दूसरा ओडीआई मुकाबला। दोस्तों टॉस की अगर हम बात करें तो इस मुकाबले में एक और बार टॉस जीता भारतीय टीम ने और गेंदबाजी को चुना राहुल ने, जिसके चलते जिम्बाब्वे वापस से पहले बल्लेबाजी करने उतरी और जिम्बाब्वे की शुरुआत इस बार भी खराब रही। सिराज की इस गेंद को कैतानो पढ़ नहीं पाए, बल्ले गए लेकर स्लिप में जाकर गिरी गेंद, जिसके चलते 7 रन बनाकर 32 गेंदों का सामना करते हुए पहले स्लाइन बल्लेबाज आउट हुए। उसके ठीक अगले ओवर में ठाकुर की इस गेंद पर पीछे का शॉट खेल बैठे और पीछे खड़े फील्डर ने कैच लपक ली। 16 रन बनाकर इनोसेंट किया ठाकुर के हाथों आउट हुए। 200 इनके पास इस तरीके से आउट हुए तीसरे नंबर के बल्लेबाज प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पर और जाकर गेंद गिरी सीधा शुभमन गिल के हाथों में। 200 चबकवाया, 2 रन बनाकर 5 गेंदों का सामना करते शार्दुल ठाकुर के हाथों आउट हुए। 200 इनके पास अगली विकेट गिरी इस तरीके से जो बोल्ड होकर प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पर। 200 मधिवेरे 2 रन बनाकर 12 गेंदों का सामना करते प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पर बोल्ड हो गए। 200 इनके बाद बड़ी विकेट मिली। 200 आप सभी को बता दें इस तरीके से आउट हुए सिकंदर राजा, जो खतरनाक बल्लेबाज से 16 रन बनाकर 31 गेंदों का सामना करते कुलदीप यादव के पहले शिकार बने। 200 इनके पास सीन विलियम्स ने 42 रनों की एक अच्छी पारी खेली और ऐसा लग रहा था कि अर्धशतक लगा ही देंगे, तभी इन्होंने भी एक गलती से दीपक हुडा जो कि एक पार्टन गेंदबाज है उनके हाथों आउट हुए कैच देकर। 42 रन बनाकर 42 गेंदों का सामना करते सीन विलियम्स आउट हुए। दोस्तों के बाद विकेटों की लड़ी लग गई वेस्ट इंडीज की। 200 इस तरीके से बोल्ड होकर रह गए और कोई नहीं चौंक हुए शार्दुल ठाकुर के हाथों मात्र 6 रन बनाकर। उसके बाद से मानो पूरी तरीके से ढह गए। ब्रैड इवंस 9 रन बनाकर बोल्ड होकर रह गए अक्षर पटेल के हाथों और आखिरी विकेट नायुची की रन आउट हो गई, जिसके चलते मात्र 161 रन पर ही ऑल आउट हो गई जिम्बाब्वे की टीम। जी हाँ दोस्तों, जिम्बाब्वे की टीम मात्र 161 रन पर ही ऑल आउट हो गई और भारतीय टीम को अभी मुकाबला जीतने के लिए सिर्फ 162 रन लगाने हैं। दोस्तों आप भारतीय टीम की गेंदबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे, इसका जवाब हमें कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों भारतीय टीम ने इतिहास रच दिया है जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले में। 200 बल्लेबाजों ने तो इतिहास रचा ही, गेंदबाजों ने भी शानदार इतिहास रच दिया इस तूफानी मुकाबले में। 200 आप सभी को बता दें पहले बल्लेबाजी करते जिम्बाब्वे ने 190 रन लगाए थे, ऐसे में इन्हें टारगेट का पीछा करते हुए शिखर धवन और सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल ने बिना कोई विकेट खोए इस मुकाबले को जीत लिया 10 विकेटों से। जी हां दोस्तों, शिखर धवन और शुभमन गिल ने बिना कोई विकेट खोए भारतीय टीम को 10 विकेटों से जिताया। आइए कुछ महा रिकॉर्ड्स के बारे में बात करते हैं जो भारतीय टीम ने जिम्बाब्वे के खिलाफ आज का मुकाबला जीता है, उससे कई रिकॉर्ड बने हैं। 200 जिम्बाब्वे के खिलाफ भारतीय टीम की 13वीं जीत है 2012 से लेकर 2022 तक, जो अभी तक के इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा जीत है किसी भी टीम के आगे। उससे भारतीय टीम की 13वीं जीत है बिना कोई हार के जिम्बाब्वे के खिलाफ। दूसरे महा रिकॉर्ड की बात करें तो शुभमन गिल और शिखर धवन की आज की साझेदारी क्रिकेट इतिहास में यानी कि ओडीआई क्रिकेट इतिहास में दूसरी सबसे बड़ी पार्टनरशिप है। इससे पहले 197 रनों की साझेदारी हुई थी जिम्बाब्वे के साथ शारजा के मैदान पर 1998 में। ऐसे में लगभग 24 साल के बाद आज शिखर धवन और शुभमन गिल ने इतनी बड़ी पार्टनरशिप से मैदान पर इतिहास रचा। ऐसे में दो सबसे महा रिकॉर्ड बनाए हैं भारतीय टीम ने आज के मुकाबले में, जो कि लगभग 24 साल के बाद बने हैं। दोस्तों आप भारतीय टीम के इस तूफानी प्रदर्शन को 10 में से कितने नंबर देंगे, इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। दोस्तों भारतीय टीम उतर चुकी है जिम्बाब्वे के 190 रन के लक्ष्य का पीछा करने के लिए। 200 टारगेट छोटा था, शुभमन गिल और शिखर धवन सलामी बल्लेबाज बनकर आए। शिखर धवन ने शुरुआत अच्छी दिलाई, शुभमन गिल ने भी शुरुआत अच्छी दिलाई, लेकिन जिस शुरुआत की भारतीय टीम को दरकार थी उससे 10 गुना बेहतरीन बल्लेबाजी की हमारे दोनों ही सलामी बल्लेबाजों ने, एक तरफ से शुभमन गिल दूसरे तरफ से हमारे शिखर धवन। 200 एक कॉम्बिनेशन अनुभवी खिलाड़ी और युवा खिलाड़ियों के बीच में हो गया। जिम्बाब्वे के पूरे गेंदबाज फ्लॉप होकर रह गए दोनों ही बल्लेबाजों के आगे। एक तरफ से शिखर धवन अपना अनुभव दिखाते हुए तूफानी अर्धशतक लगा बैठे। जी हां दोस्तों, अर्धशतक लगा दिया शिखर धवन ने तो उनके सामने शुभमन गिल ने भी बेहतरीन बल्लेबाजी की। 200 पहले तो दोनों के बीच में 100 से ज्यादा रनों की साझेदारी हो गई, वो भी सिर्फ 20 ओवर में, और दोनों ही बल्लेबाज लगभग सेट हो चुके हैं और भारतीय टीम ये मुकाबला जीत चुकी है। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम इस साल T20 वर्ल्ड कप जीत पाएगी या नहीं, इसका जवाब हमें कमेंट में। दोस्तों अगर आप भी शिखर धवन को एक अच्छा खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक एक बार जरूर करते जाएं। दोस्तों शुरू हो चुका है भारत बनाम जिम्बाब्वे का पहला ओडीआई मुकाबला हरारे क्रिकेट स्पोर्ट्स स्टेडियम में। दोनों ही कप्तान आमने सामने आए टॉस के लिए। दोस्तों जिम्बाब्वे कप्तान ने टॉस उछाला, लेकिन केएल राहुल ने टॉस जीत लिया और टॉस जीते गेंदबाजी का किया फैसला, जिसके चलते जिम्बाब्वे की टीम पहले बल्लेबाजी करने के लिए उतरी। दोस्तों जिम्बाब्वे की तरफ से दोनों ही सलामी बल्लेबाज मैदान पर आए। पहले सलामी बल्लेबाज का नाम है मरुमानी, जो कि इससे पहले से 5 ओडीआई मुकाबले खेल चुके हैं। उनके साथ आया है इनोसेंट किया, जो कि 7 मुकाबले खेल चुके हैं। दोनों ही नए सलामी बल्लेबाज आए थे। 200 आधे ही उनके सामने दीपक चहर ने अच्छी गेंदबाजी की। 200 दीपक चहर तो अच्छी गेंदबाजी कर ही रहे थे, इसमें शुरुआत तो चल ही रही थी जिम्बाब्वे की, लेकिन दीपक चहर ने अगले ओवर में पहला झटका दिया। 200 इस तरीके से बल्ले का एज लेकर पहले सलामी बल्लेबाज का और गेंद गिरी जाकर संजू सैमसन के दस्तानों में, जिसके चलते पहली विकेट। 200 इनोसेंट किया 4 रन बनाकर दीपक चहर की गेंद पर 20 रन बनाकर आउट। ऐसे में 26 रन हो चुके थे, एक विकेट गिर चुकी थी जिम्बाब्वे की, लेकिन उसके बाद अगला ही झटका दिया दीपक चहर ने। 200 इस तरीके से एज लेकर बल्ले की एक और बार संजू सैमसन के दस्ताने में जाकर गिरी गेंद, और इस बार बल्लेबाज से मरुमानी, जो की सलामी बल्लेबाज से 8 रन बनाकर ये भी आउट होकर रह गए। दोनों ही बल्लेबाज पवेलियन लौट गए थे, तभी विलियम के इस बल्ले का एज ले बैठी सिराज की गेंद और स्लिप में शिखर धवन ने शानदार कैच लपक ली, जिसके चलते सीन विलियम्स भी मात्र 1 रन बनाकर 3 गेंदों का सामना करते आउट होकर रह गए। 200 के बाद इस तरीके से यॉर्कर गेंद को पढ़ नहीं पाए और दीपक चहर की गेंद पैट्स के बीच लग गई।
गई, जिसके चलते मधवेर भी 5 रन बनाकर 12 गेंदों का सामना करते आउट हुए। 200 की पपरा से कृष्णा की इस गेंद ने सिकंदर रजा के बल्ले का एज लिया और स्लिप में गणेश शिखर धवन ने शानदार कैच लपक ली। इस तरीके से जिसके चलते खतरनाक बल्लेबाज सिकंदर रजा 12 रन बनाकर 17 गेंदों का सामना करते आउट हुए। उनके बाद विकेटों की लड़ी लग गई, बल 11 रन बनाकर 18 गेंदों का सामना करते आउट हुए। उनके बाद अक्षर पटेल की इस गेंद पर चिकम्बावा जो की कप्तान थे वो भी आउट होकर रह गए। दोस्तों आप सभी को बता दें उनके बाद एक और बड़ी विकेट गिरी, जिसके चलते जिम्बाब्वे की टीम पूरी तरह से अंत में ऑल आउट हो गई। लेकिन अंत तक नगरवावा ने प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पर 34 रन की पारी खेली, जिसके चलते जिम्बाब्वे 190 रन पर ऑल आउट हो गई। जी हां दोस्तों, अक्षर पटेल ने 3 विकेट लिए, दीपक चहर ने 3 विकेट लिए और उनके साथ प्रसिद्ध कृष्णा ने 3 विकेट लिए और उनके साथ 1 विकेट सिराज ने लिए, जिसके चलते ऑल आउट हो गई जिम्बाब्वे की टीम मात्र 179 रन पर। अब भारतीय टीम को 190 रन लगाने हैं, वो भी पूरे 50 ओवर में, जो भारतीय टीम के लिए काफी आसान बात है। दोस्तों शुरू हो चुका है भारत बनाम जिम्बाब्वे का पहला T20I मुकाबला। दोस्तों आप सभी को बता दें पहला T20I मुकाबला इस मैदान पर खेला जाने वाला है, जिसका नाम है हरारे क्रिकेट स्पोर्ट्स स्टेडियम। 200 वक्त की अगर हम बात करें तो दोपहर 12:45 से पहला ODI मुकाबला शुरू होगा 18 अगस्त को, जो कि जिम्बाब्वे बनाम भारत की 3 ODI मुकाबलों की सीरीज का पहला मुकाबला होगा। 200 शिखर धवन वाइस कप्तान बनाए गए हैं और इसी के साथ हमारे KL राहुल को कप्तान चुना गया है और राहुल द्रविड़ को कोच चुना गया है। युवा खिलाड़ियों से भरपूर भर चुकी है टीम। तो आइए आपको बता दें भारतीय टीम की प्लेइंग 11 जो होने वाली है जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले ODI मुकाबले में। लेकिन उससे पहले आपको बता दें KL राहुल लगभग 10 से 11 महीने के बाद फुल टाइम ODI की कैप्टनसी करने वाले हैं। इससे पहले संजू सैमसन भी T20 टीम में नजर आए थे, लेकिन ODI टीम में नजर नहीं आए थे, जिसके चलते अब पूरे युवा खिलाड़ियों से भर गई है टीम। आइए प्लेइंग 11 देख लेते हैं। भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में होंगे सलामी बल्लेबाज KL राहुल और उनके साथ होंगे शिखर धवन। तो पहले ही अनाउंस हो गया था कि शुभमन गिल तीसरे नंबर पर आएंगे, उसके बाद आएंगे ईशान किशन, उसके बाद बल्लेबाजी करने आएंगे संजू सैमसन, उनके बाद दीपक हुड्डा, उनके बाद ऑलराउंडर अक्षर पटेल, उनके बाद गेंदबाजी में होंगे शार्दुल ठाकुर, दीपक चहर, कुलदीप यादव, आवेश खान। दोस्तों ये 11 खिलाड़ियों को लेकर भारतीय टीम उतर सकती है पहले ODI मुकाबले में जिम्बाब्वे के खिलाफ। दोस्तों भारतीय टीम की ये टीम भी काफी ज्यादा मजबूत है, जाहिर सी बात है भारतीय टीम आराम से पहला ODI मुकाबला जीत जाएगी हरारे स्पोर्ट्स स्टेडियम में, क्योंकि बल्लेबाजी के लिए ये पिच काफी ज्यादा बेहतरीन है और शुभमन गिल की फॉर्म काफी ज्यादा बेहतरीन है। तो उम्मीद लगाई जा रही है कि शिखर धवन और उनके साथ शुभमन गिल शतक लगाए और भारतीय टीम को 300 से ज्यादा का स्कोर बोर्ड पर स्कोर लगाकर दे दे पहले इनिंग में, जिसके चलते भारतीय टीम आराम से मुकाबला जीत जाएगी। दोस्तों आपको भारतीय टीम की प्लेइंग 11 कैसे लगी हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। दोस्तों हार्दिक पांड्या की कप्तानी में एक और बार भारतीय टीम ने शानदार तरीके से जीत लिया है 5वां T20I मुकाबला। दोस्तों वेस्टइंडीज के खिलाफ ऑल आउट कर रख दिया है भारतीय टीम ने पूरी वेस्टइंडीज की टीम को और 88 रनों से 5वां T20I मुकाबला जीत लिया भारतीय टीम ने। दोस्तों भारतीय टीम के गेंदबाजों ने, खास करके स्पिन गेंदबाजों ने ऐसा प्रदर्शन किया कि मानो वेस्टइंडीज भारतीय टीम के 188 रन के लक्ष्य का पीछा कर ही नहीं पाई, सिर्फ 56 रनों की पारी हमारे हितमार ने खेली। दोस्तों इस मुकाबले के असली विलन रहे वेस्टइंडीज के लिए अक्षर पटेल, जिन्होंने इस मुकाबले में 3 बड़े विकेट निकाले, 3 ओवर डालकर 15 रन देकर इन्हें मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। उनके साथ हमारे रवि बिश्नोई ने 4 बड़े विकेट निकाले। जी हां दोस्तों, सिर्फ 2 ओवर 4 गेंदें डालकर 16 रन दिए, 4 विकेट निकाले रवि बिश्नोई ने। उनके साथ हमारे कुलदीप यादव ने 3 बड़े विकेट निकाले, 4 ओवर डालकर सिर्फ 12 रन देकर। दोस्तों भारतीय टीम के 3 गेंदबाजों ने पूरी वेस्टइंडीज को बर्बाद करके रख दिया। ये देखिए बॉलिंग फिगर, 203 विकेट अक्षर, 3 विकेट कुलदीप, 4 विकेट बिश्नोई, वेस्टइंडीज पूरी ऑल आउट और भारतीय टीम ने जीत लिया 5वां T20I मुकाबला। दोस्तों मुकाबला पूरी तरह से भारतीय टीम के गेंदबाजों के नाम रहा, जो शुरुआत से इस चेस में आगे नहीं निकल पाई वेस्टइंडीज की टीम भारतीय टीम के खिलाफ और पूरी भारतीय टीम के सामने वेस्टइंडीज ने घुटने टेक दिए। दोस्तों आपको क्या लगता है कौन से खिलाड़ी को मैन ऑफ द सीरीज देना चाहिए, इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। वेस्टइंडीज का 5 ओवर सीरीज का अंतिम T20I मुकाबला धमाकेदार तरीके से शुरू हुआ, जब पहले बल्लेबाजी करने उतरी थी भारतीय टीम। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम की तरफ से श्रेयस अय्यर ने सर्वाधिक पारी खेली थी 64 रनों की 40 गेंदों में, जिसके चलते भारतीय टीम ने अपने निर्धारित 20 ओवर में 188 रन लगा दिए थे 7 विकेट के नुकसान पर। ऐसे में टारगेट का पीछा करने उतरी वेस्टइंडीज की टीम। दोस्तों वेस्टइंडीज की शुरुआत इस बार अजीबोगरीब रही, जहां ऑलराउंडर नंबर 7 पर आने वाले बल्लेबाज जेसन होल्डर अचानक सलामी बल्लेबाज बनकर आए तो हार्दिक पांड्या ने भी उनके साथ काफी घमासान चाल चली। 200 नंबर 7 के बल्लेबाज को ओपनर देखकर अचानक गेंदबाजी थमाई अक्षर पटेल को हार्दिक पांड्या ने और यही हो गया पूरा करिश्मा। दोस्तों आप सभी को बता दें जैसे ही पहली गेंद फेंकी अक्षर पटेल ने तो जेसन होल्डर से स्वीप शॉट खेलने के चक्कर में हो गए क्लीन बोल्ड। जी हां दोस्तों एक और बार आपको रिप्ले बता दें, इस तरह से बोल्ड होकर रह गए जेसन होल्डर। पहली गेंद पर अक्षर पटेल अपने पहले ही ओवर में अक्षर पटेल ने निकाल दी विकेट पहले सलामी बल्लेबाज जेसन होल्डर की। 200-0 बनाकर 3 गेंदों का सामना करते हुए जेसन होल्डर आउट हुए। 200 अक्षर पटेल का कहर बरकरार रहा होल्डर को आउट करने के बाद भी। अगले ही ओवर में इस तरह से शिमरू ब्रूक्स अक्षर पटेल की गेंद पर आगे आ बैठे और पीछे गड़े हमारे डीके ने तूफानी तरह से स्टंपिंग करके शिमरू ब्रूक्स को पवेलियन का रास्ता दिखाया। 213 रन बनाकर 13 गेंदों का सामना करते हुए शिमरू ब्रूक्स आउट हुए। 200 के अगले ही ओवर में इस तरह से बोल्ड होकर रह गए दोवियोन थॉमस। 200 ये वेस्टइंडीज के विकेट कीपर बल्लेबाज और ये बने अक्षर के तीसरे शिकार। 200 तीसरे विकेट गिरी दिवान धवन के रूप में वेस्टइंडीज की 10 रन बनाकर 11 गेंदों का सामना करते हुए अगला ओवर डालने आए हमारे कुलदीप यादव और
उनके सामने थे वेस्टइंडीज के कप्तान पूरन, और ये भी इस तरीके से गेंद को पढ़ नहीं पाए, गेंद लग गई लगातार बीचों बीच बैट्स पर और अंपायर ने दे दिया एलबीडब्ल्यू आउट। रिव्यू भी बचा नहीं पाया पूरन को, 3 रन बनाकर 6 गेंदों के सामने कर दे निकलस पूरन आउट हुए। 200 रन